नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा की उन हर गतिविधियों पर हम आपकी नजर इंगित करना चाहते हैं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या आखिर सरकार के इस निर्णय के बाद ट्यूशन सेंटर चलाने वाले शिक्षकों पर गाज गिर सकती है या फिर शिक्षकों को संभलने का मौका मिल सकता है। हालांकि शिक्षकों के पास कई कमजोर पहलू हैं जिस वजह से वो सरकार के खिलाफ ज्यादा आक्रोश नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षक जो कोचिंग चलाते हैं वो कई मायने में कोचिंग नियामक अधिनियम के तहत पूरे कसौटी पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। लेकिन शिक्षकों का कहना यह भी है कि जब कॉलेज में क्लास निरंतर और पूरी तरह अगर नहीं चलेंगे, शिक्षकों की अनुपलब्धता जिस वजह से छात्रों का जीवन संकट में होता है, ऐसे में कोचिंग सेंटर ही रामबाण साबित होती है। तो चलिए हम बता दें, दरभंगा के कई शिक्षकों ने भी मिथिला मंच न्यूज पर अपनी राय व्यक्त की है और हम लगातार 3 दिनों से दरभंगा के कोचिंग संस्थानों में जाकर सभी शिक्षकों की राय ले रहे हैं। कई शिक्षक इसके खिलाफ हैं, तो कई शिक्षक इसमें संशोधन चाहते हैं, तो कई शिक्षकों का कहना है कि ये कुछ बड़े कोचिंग संचालकों के द्वारा विरोध है, जबकि ये बात सही है कि अगर स्कूल और कॉलेज के समय नियत हो जाए तो सुबह और शाम का ही बेहतर ट्यूशन का समय हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आरी खान और एमके पाठक, राम मनोहर साथ कई ऐसे शिक्षकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। की सहमत नहीं हूं और आई स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड, मैं इस चीज को कंडेम कर रहा हूं कि अगर सरकार ठीक है, आप 9 से शाम में 4 बजे तक हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्या कॉलेज वाले गारंटी लेंगे कि बच्चों का भविष्य बनाएंगे? क्या स्कूल इस चीज की जिम्मेदारी लेगा कि वो स्कूल में सही से पढ़ाएगा? शिक्षा बिहार की ढहती जा रही है, शिक्षा के हालात खराब होते जा रहे हैं। कानून बनाना और कानून को धरातल पर लाने से पहले आप उन सारी सुविधाओं को बच्चों तक पहुंचाएं और तब फिर कानून को लागू करें तो हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं। चूंकि हमारी सरकार इस चीज़ में सक्षम नहीं है कि वो कॉलेज में या स्कूल में बच्चों को वो फैसिलिटी दे। मैं तो सबसे पहले मेरे राज्य सरकार से ये गुजारिश होगी कि अगर आप इस तरीके की कोई भी पहल करते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना होगा। आज हम जैसे जो शिक्षक हैं, मेरा नाम डॉक्टर एम मनोहर है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जैसे शिक्षकों की ज़रूरत बच्चों को क्यों पड़ी है। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार होता है, बच्चों को स्कूल लेवल पे कोचिंग लेवल की ज़रूरत ही नहीं होगी या फिर कॉलेज लेवल पे भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी, उस तरीके से अगर शिक्षा व्यवस्था किया जाए। मेरा इस संदर्भ में सिर्फ राज्य सरकार से ये गुजारिश है कि इस तरीके के कदम उठाने से पहले पहले आप अपने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए, फिर जाके कुछ इस तरीके के कदम उठाएंगे तो छात्र छात्राओं के लिए भी बेहतर होगा, हम जैसे शिक्षकों के लिए भी बेहतर होगा। ना चाहिए कोचिंग के लिए कोई टाइमिंग का बाउंडेशन होना ज़रूरी ही नहीं है। क्यों नहीं चलना चाहिए? अगर ज़रूरत है छात्रों को तो कोचिंग के लिए किसी भी टाइम में कभी भी रात के 12 बजे 2 बजे भी छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। किसी भी टाइम की कोई भी बाउंडेशन ज़रूरत नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं है इसीलिए कोचिंग की ज़रूरत है। और ये मैं इस पूरे जो शिक्षा व्यवस्था जो फैसला दिया है ये बहुत जल्दी का फैसला है और एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में विचार नहीं किया गया। मुझे लगता है कि ये बात कहने से पहले राज्य सरकार को बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर सोचना चाहिए था। सीधा सीधा ये फैसला दे देने से किसी भी चीज़ में ना आपको शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता की बढ़ोतरी होगी, ना इससे बच्चों का करियर बहुत बढ़िया होगा और ना ही उनका जो उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छा फैसला है। इस फैसले से पहले राज्य सरकार को कई मुद्दों पर सोचना चाहिए था और क्रमशः चीज़ों को ठीक करते हुए अगर इस फैसले तक वो पहुँचते तो शायद कुछ अच्छा कहा जा सकता था। लेकिन तत्काल जो फैसला आया है ये हमारे हिसाब से एक बेवकूफ़ी भरा फैसला है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सीधा सीधा ट्यूशन को बाउंड कर दिया। स्कूल में आपकी अच्छी पढ़ाई हो नहीं रही है, आपके यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के विशेष नियमावली नहीं है कि आप किन बच्चों के लिए कह रहे हैं। केवल 11th 12th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहा जा रहा है या किन के लिए कहा जा रहा है? यहाँ बात रखी गई थी स्कूल के बारे में कि स्कूल अवधि में, और प्लस टू के बच्चे तो कॉलेज में भी जाते हैं, और जहाँ तक हम कोचिंग संचालक जो है वह आदमी को छुपा रही है, इसलिए कि आज आप कॉलेज में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए तो आज कोई टीचर आए
ऑर्गेनिक पढ़ा के चले गए, अगला दिन इनऑर्गेनिक पढ़ा दिए। सिस्टमेटिक पढ़ाई होती ही नहीं है, वो पढ़ाई से क्या फ़ायदा होगा। साइंस का मतलब है सिस्टमेटिक नॉलेज, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाए। सरकार के, राज्य सरकार के इस फैसले से जितने भी निजी संस्थान के शिक्षक हैं और सारे राज्य भर के छात्र काफ़ी शोकाकुल हैं और एक बहुत बड़े खतरे के आशंका। जहां एक तरफ शिक्षकों का कहना है कि इस कानून के आ जाने से कई शिक्षकों के भविष्य संकट में आ सकते हैं या कोचिंग संस्थानों पर तलवार लटक सकते हैं, ऐसे में कई शिक्षकों ने यह भी कहा है कि जाम की व्यवस्था, जाम की वजह से अगर कोचिंग संचालकों पर लादा जाता है तो यह गलत है, क्योंकि कोचिंग संस्थानों की वजह से जाम नहीं लगते हैं। टीचर और गवर्नमेंट के बीच में तालमेल होना चाहिए कि यदि टीचर उस तरह का, यदि बच्चा उसके पास हो जाता है 1,000-2,000-3,000 के रेंज में, गवर्नमेंट के बीच में तालमेल होना चाहिए कि यदि टीचर उस तरह का, यदि बच्चा उसके पास हो जाता है 1,000-2,000-3,000 के रेंज में, लार्ज रेंज में, तो उसको एक साइड में, आउट साइड में, है ना, जहाँ पे उस तरह का मेन रोड से हट के वहाँ पे कोचिंग चलाना अच्छा रहेगा। प्रबंधन का बात है तो यातायात का जो प्रॉब्लम है वो हमारे स्टूडेंट्स या हमारे स्कूल या हमारे कॉलेजेस का नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन का नहीं। यातायात प्रबंधन करना हमारे बिहार पुलिस के यातायात विभाग जो है उनको काम है। जाम लगना, अब आप जाम जहां लगती है आप गाड़ी को स्टॉप करके उससे जो है ना फी लेते हैं अपना जेब भरने के लिए और बाकायदा आप जाम लगाते हैं और इसका जो है ढिकड़ा फोड़ते हैं स्टूडेंट्स पर कि स्टूडेंट्स के कारण जाम लगता है। स्टूडेंट्स के कारण जाम का समस्या नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ आप बहुत बड़ा नाइंसाफी करने जा रहे हैं। तो चले अभी आप लगातार दरभंगा के शिक्षकों की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जो सरकार के ये जो नियम आ रहे हैं और इसके लिए विधिवत विभिन्न जिलों में एक जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिया गया है, सरकार के कागजात भी पहुंच चुके हैं। इसे लेकर के कोचिंग संस्थान में और प्राइवेट शिक्षकों में खलबली मच गई है। जहां एक तरफ शिक्षकों का कहना है कि पैसे लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को, ट्रैफिक पुलिस ही पूरी तरह स्थिति को खराब कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा ऐसे कितने कोचिंग संचालक हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनकी जिम्मेवारी है कि वो तो रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर वो अपना कोचिंग बंद कर दे, क्योंकि इन्हीं की वजह से अन्य कोचिंग सेंटरों पर भी तलवार लटकती है। मेरे अनुसार क्योंकि जो भी कोई टीचर या यहाँ तक पहुँचे या हाई लेवल तक पहुँचे हैं तो वो तो सबसे पहले शुरू में तो वैसे ही पढ़ा देते जनरल, और जनरल कुछ बच्चा सबको पढ़ाने के लिए 100 या 200, 100-150 बच्चा को पढ़ाने के लिए इतना सीखा नहीं भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे टीचर स्टूडेंट की संख्या बढ़ते जाएगा तो उसके लिए सुविधा की जरूरत पड़ता है, लेटरिंग बाथरूम जो भी है, बाथरूम है, साइकिल लगाने की व्यवस्था सब चीज़ का सिक्योरिटी होते जाता है। मेरे कहने का मतलब है यदि स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए उस टीचर को है ना थोड़ा मार्केट मेन रोड से थोड़ा हट के इस तरह से चलाना चाहिए कोचिंग, तो कोई तरह का इफेक्ट नहीं, मेन रोड में जाम लगने का कोई तरह का दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए गवर्नमेंट की जो राय है क्या कह रहे हैं, यदि वो सब चीज़ कर दे रहा है, व्यवस्था कर दे रहा है स्टूडेंट सब के लिए, तब यदि हम लोग इस तरह से करते हैं तो ये घर कहीं मानेंगे। टीचर इस तरह से गवर्नमेंट को भी होना चाहिए, यदि बच्चा को एकदम सब चीज़ टाइम टेबल पर हो जाए, पढ़ाई लिखाई एकदम सिलेबस कम्प्लीट सब चीज़ हो जाए तो फिर प्राइवेट टीचर की कोई जरूरत नहीं। जी, सरकार को उसके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए कि मानक हर हालत में मानक को पूरा होना चाहिए और गुणवत्ता से कभी भी कम्प्रोमाइज होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सरकार का, हमारा गार्जियन का और आप सब, आप विद्याकर्मियों का एक ही मंशा होता है कि हम बिहार के बच्चे बेहतर करें और बिहार के वासी उससे गौरवान्वित हों, यह डिपेंड करता है गुणवत्ता पर। उसके सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ढिलाई है, अभी तक हम लोग जो लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किए थे अभी तक कोई ऐसा कोई आया भी नहीं है और ना ही सरकार कोई कार्रवाई करती है जिससे इस पर नकेल कसा जा सके। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज़ को इस चीज़ के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, कई बार गुप्त सूचनाएं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को गई है, गुप्त सूचनाएं डीएम ऑफिस को गई है, त्राही माम की स्थिति रही है। 2015 में मैंने लेटर लिखा है, हमारे पास आज भी उसकी कॉपी मौजूद है। हमने कहा था कि प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि क्या रियली में जो टीचर डॉक्टर इंजीनियर लगा रहे हैं, जो टीचर एमएससी है, जो अपने आगे एमएससी लगा रहे हैं, क्या रियली में क्वालिफाइड है।
क्या उनके पास ओरिजिनल डिग्री है या फेक डिग्री पर काम हो रही है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेशन। आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी धरल्ले से बांट रही है, 5,000, 10,000, 20,000 में, 50,000, 40,000 में पीएचडी की डिग्री मिल रही है। लोग अपने आगे डॉक्टर इंजीनियर लगा रहे हैं, कुछ लोग तो फॉल्स लगा रहे हैं जिनके पास डिग्री है ही नहीं। मेरे पास कई पेपर्स के कटिंग है। मुझे मिथिला मंच न्यूज का एक पेपर आता था, मेरी कटिंग आज भी मौजूद है कि दरभंगा के 90% टीचर अंडर ग्रेजुएट हैं। वो कटिंग मेरे पास आज भी अवेलेबल है और ये बहुत सीरियस इशू है, बच्चों का करियर का खिलवाड़ है। ये सही है। हम बता दें कि 12वीं की परीक्षा में छात्रों के असफल होने के कई बार ये भी कारण सामने आया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सर्वथा अभाव रहा है। अंडर ग्रेजुएट शिक्षक हैं वो प्लस टू के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। इस संबंध में आरिफ खान ने मिथिला मंच न्यूज का भी जिक्र किया, जिन्होंने इस बात का उल्लेख एक साल पहले ही कहा था कि कम से कम यहां 70% शिक्षक ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे कोचिंग संस्थानों में। न उनके पास टॉयलेट है, न उनके पास पीने की पानी की व्यवस्था है, न पार्किंग की व्यवस्था है, न छात्रों को सही बैठने की व्यवस्था है, न बिजली और हवा की व्यवस्था है। ऐसे कोचिंग संस्थानों पर निश्चित तौर पर गाज गिरनी ही चाहिए। कार ये नियम लगाए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री या डॉक्टर या इंजीनियर, भाई कैंपस में साइकिल स्टैंड इस तरह से, भाई वाटर पार्किंग, भाई टॉयलेट्स, क्लासरूम परफेक्ट, परफेक्ट लाइट, सारी सुविधाएं, सिक्योरिटी, कैमराज, ये बातें सहमत हैं। और इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने कई बार बात उठाई और आपके मिथिला मंच न्यूज़ चैनल के द्वारा हम लोगों ने 2014 में जब मनु महाराज यहाँ के SP थे, आप याद कीजिए, जो CCTV कैमरा हमारे नाका 5 पर लगा था, ये हम लोगों के माननीय श्री मनोज दास जी की अध्यक्षता में हम लोग आगे बढ़े थे। और जब यहाँ के DSP मुख्यालय मुकुल रंजन जी थे, हम लोगों की मीटिंग हुई थी, मनु महाराज जी से मीटिंग हुई थी, वो कैमरा लगा था और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कोई आदमी बैच को 5 मिनट पहले, कोई 5 मिनट बाद छोड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि सारे टीचर्स क्वालिटीफुल हैं। हम ये मानते हैं कि बिजनेस का दौर चला है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो ऑब्जर्वर रखें और ऐसा ऑब्जर्वर रखें जो ऑब्जर्व करे कि हर क्वालिटीफुल टीचर मौजूद हैं या नहीं, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन आप उस आर में कोचिंग को 9 से 4 क्लोज नहीं कर। बता दें मिथिला मंच न्यूज ने इस संबंध में लगातार प्रयास किया था और कई शिक्षकों ने हमें मदद भी की थी और सही से जानकारियां भी दी थी। अब शिक्षक अलग अलग गुट बनाकर अपने एक संघ का निर्माण कर रहे हैं। कई बार एक शिक्षक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन हम बता दें इस मुद्दे पर शिक्षक संघ यानी कि शिक्षक ग्रुप बनाने वाले 3 फाड़ हो गए हैं। अगर कहें तो कई शिक्षक अपने अपने अलग अलग गुट में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और अपने अपने तरीके से अपने शिक्षक के ग्रुप में मुद्दे को रख रहे हैं। लेकिन मिथिला मंच न्यूज ने बराबर उन शिक्षकों को कटघरे में खड़ा किया जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया, और इस बार भी हम करेंगे। लेकिन हम इससे पहले बता दें कि सरकार का जो नियम है कि 9 बजे से 3 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद रखे जाएं, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका एक तो उद्देश्य यह है कि शिक्षक नियमित रूप से अपने कॉलेज में जाएं, अपने स्कूल में नियमित वर्ग का संचालन में शामिल है, छात्रों को शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। लेकिन दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान के खुले रहने के कारण छात्र कोचिंग में पढ़ते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, वहां अनुपस्थित रहते हैं। तो ऐसे में मिथिला मंच न्यूज का यह प्रयास कि आरिफ खान के साथ कई शिक्षकों ने भी सराहना की है। तो हम दूसरी तरफ अगर ध्यान डालें छात्र क्या कहते हैं। छात्रों का कहना है कि अगर कॉलेज में नियमित वर्ग का संचालन हो तो छात्र को अतिरिक्त पैसा खर्च कर कोचिंग संस्थान में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं लेकिन वो आते ही नहीं है। एक कदम है, हम लोग ट्यूशन में हजार रुपया देकर के पढ़ रहे हैं, आज ट्यूशन की व्यवस्था हो रही है, सरकार भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन शिक्षा व्यवस्था ढंग से नहीं चल रही। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप पहले शिक्षा व्यवस्था को ही ठीक करें, तब कोई नियम लागू करें। लेकिन ये नीतीश जी का बहुत ही अच्छा कदम है, इससे नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए स्कूल टाइम में, क्योंकि बच्चे केवल ट्यूशन ही जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। और सरकार कहती है कि स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो पहले आप ये देखिए कि ट्यूशन जो इतने खुले हुए हैं, तो ट्यूशन में पढ़ाई होती है, आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, तो क्यों बच्चे? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन पे लगाम लगाए और उनको अच्छी तरह से व्यवस्था करवाए। क्योंकि इससे पहले नीतीश जी कहे थे कि जो भी ट्यूशन रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो उनके पास बाथरूम होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो गली कुची में खोले हुए हैं। तो आप उनको, सरकार की ना जिम्मेदारी बनती है कि उनको ढंग से चलवाए, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया, हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन। लेकिन हम आपको बता दें कई ऐसे वरीय शिक्षक और कॉलेज के प्रचार हैं जिन्होंने सरकार के इस निर्देश को सही माना है। उनका कहना है कोचिंग संस्थान के खुले रहने की वजह से छात्र कोचिंग में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में नहीं जा पाते हैं।
डॉक्टर मुश्ताक अहमद एमएलएसएम कॉलेज के प्रचार का मानना है कि सरकार का यह अध्यादेश निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक रहते हैं लेकिन छात्र नहीं पहुंच पाते। वहीं दूसरी तरफ वरीय शिक्षक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने भी कहा है कि छात्रों को कॉलेज से ज्यादा फायदा है, क्योंकि वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। लेकिन कई ऐसे कोचिंग के शिक्षक हैं जिनके पास डिग्रियां नहीं है, वो आधे अधूरे कचरे ज्ञान छात्रों को देते, जिससे छात्रों का भविष्य संकट में आता है और बिहार का रिजल्ट खराब होता है। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है आगे। जो शिक्षक किसी कॉलेज में है, कॉलेज में शिक्षक है, उनको कॉलेज के समय में नैतिकता के आधार पर ही ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए। कोई बेरोजगार है मान लिया, वो अगर कहीं पर क्वेश्चन कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जिस शिक्षक को 1.5 लाख रुपया सरकार दे रही है और वो अगर कॉलेज के समय में कोचिंग चला रहे हैं तो वो नैतिकता के आधार पर उनको नहीं चलना चाहिए। कानूनी व्यवस्था सरकार तय करेगी लेकिन नैतिकता के आधार पर नहीं चलाना चाहिए। देखिए, दो फील्ड ऐसा है जिसमें कोई भी समझौता देश के लिए हानिकारक है, वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, तीनों स्वयं से शुरू हो रहा है। ये सुव्यवस्थित हो जाए कल्याण हो जाए। तो स्वास्थ्य में भी यही हाल है, कानून बना हुआ है जो डॉक्टर है वो नहीं कर सकते हैं, वो बेटा है कि उससे असर पड़ेगा अगर वो बंद हो जाएगा। क्या अगर वो बंद होगा तो बच्चे जो कॉलेज नहीं आ रहे हैं उसमें एक वो भी है। अभी बड़े शहरों के लिए राजस्थान की तरफ कोटा की तरफ से यहाँ भी वो खुल गया है, सब खुल गया है। उनका समय 8 बजे से लेकर के 1-2 बजे तक रहता है। कॉलेज सब समय है वही समय, कॉलेज का समय बदल नहीं सकता है। कॉलेज का समय अगर हम एक कॉलेज चाहेंगे और रात में पढ़ाना शुरू कर दें नहीं हुआ ना। उनका क्या है कोचिंग, 5 बैच 6 बैच उतना चलाते हैं, वो शुरू करते हैं 8 बजे से। मैं अपने बच्चा तो बच्चा ऐसा है कि उस टीचर को तो बोले प्रिंसिपल को कहता है जस्ट जल्दी कर दीजिए हमारा कोचिंग का टाइम 8 बजे से नहीं किया है, वो स्वागत योग्य है कि अगर वो समय पर नहीं करे। खास करके ऐसे शिक्षक जो किसी कॉलेज में हैं, सरकारी नौकरी में पैसा लेते हैं, उनको नैतिकता के आधार पर भी इस अवधि में नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन अच्छे शिक्षकों का लाभ कॉलेज के बाहर भी मिलना चाहिए। अगर वो बहुत से शिक्षक कहते हैं जो बगैर पैसे के पढ़ाते हैं, बहुत से शिक्षक हैं जो बगैर पैसे के पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते हैं दान करते हैं, वो तो होनी चाहिए। लेकिन हमारा यह है कि अगर कोई छात्र कॉलेज की तरफ आ जाता है क्लास रूम का, तो आज भी मेरा दावा है कि क्लास रूम से अच्छी पढ़ाई बाहर नहीं हो सकती है। नहीं तो उसको कहीं डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेंगे और वो घर में पढ़ेगा, तो दरभंगा में रहने का अपेक्षा घर पे रहने में खर्च कम आएगा और उसके लिए 7-10 दिन का हम लोग कोर्स कर सकते हैं। तो आके अपना हमारे से कॉन्टैक्ट करके और जो भी प्रॉब्लम उसका हो तो वो हल कर, अगर बढ़िया नहीं होगा तो बच्चे आएंगे। हाँ, मिथिलांचल है सर, ने कहा आपको कि यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आप कभी आइए क्लास में पूछा देंगे आपको। 80% बच्चा है 5 लाख का बेटा है, मजदूर का बेटा है, छोटा छोटा कास्ट का बेटा है, बड़े बीडीओ के, बैंक पीओ के, बैंक एम्प्लॉय के, डॉक्टर के, एक बच्चा भी नहीं पढ़ते। हमारे यहाँ महिलाएं आती है रोने लगती है तो कोचिंग नहीं जाएगा। कोचिंग बंद करने का सबसे सुंदर उपाय है कॉलेज को अपग्रेड कर दीजिए बंद। लेकिन फिर भी अगर 9 से 4 वाला लागू हो जाता है तो कुछ बच्चे जो मजबूरी में नहीं आ पाते हैं वो आएंगे, उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, कोई संशय की बात नहीं है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों से सहयोग चाहते हैं। मैंने कई बार कहा, कल कई कुलपतियों को भी कहा, एक कॉलेज तो मॉडल में दीजिए ना। एमएलएसएम कॉलेज में सारी सुविधाएं हैं, सारे टीचर हैं, इसी को मॉडल कॉलेज बना दिया जाए, यहाँ पर पढ़ाई होगी। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की बड़ी खबर और बड़ी पहल। पहल इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो जायज शिक्षक है, जो रजिस्ट्रेशन करवा करके अपने शिक्षण संस्थान को सुचारू रूप से चलाते हैं, समय पर सिलेबस पूरा करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, छात्रों को सब सुविधा अपने सेंटर पर मुहैया कराते हैं, तो वो शिक्षक बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन अब उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है, उन प्रशासनिक अधिकारियों की, नगर निगम के अधिकारियों की और साथ ही डीओ की, जिला शिक्षा पदाधिकारी की, जिनके कंधों पर
दरभंगा के लाखों छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। जो अंडर ग्रेजुएट शिक्षक जो शिक्षा संस्थान में पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी और उनका उनका जो रिकॉर्ड है और उन्हें क्या डिग्रियां हैं, ये अवश्य चाहिए। कई ऐसे शिक्षक हैं जो आर्ट्स है लेकिन साइंस पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षकों की क्वालिटी और डिग्री की अवश्य जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। शिक्षकों और छात्रों ने यह भी कहा है कि अब डिग्रियां तो जांची जानी चाहिए, क्योंकि अब सरकार ने जो पहल की है उस पहल पर कई शिक्षक विरोध कर रहे हैं संघ बनाकर, तो कई शिक्षक का कहना है कि सरकार का यह कदम सराहनीय है। अगर दूसरी तरफ हम कहें तो कॉलेज और निजी विद्यालय भी सरकार के इस कदम को सराह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे तो उनके कॉलेज और स्कूल में जो शिक्षकों को पैसा देते हैं तो छात्र निश्चित तौर पर कॉलेज और स्कूल की ओर रुख करेंगे, जिससे स्कूल कॉलेज की मानता बढ़ेगी और शिक्षण संस्थान में ज्यादा होगी। चले मिथिला मंचन का कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, और हम भी नजर रखेंगे कि आखिर सरकार का यह अध्यादेश कई जिलों में आ गया है और दरभंगा में भी अब यह आने ही वाला है या फिर आ चुका है, लेकिन दरभंगा में अगर यह अध्यादेश सरकार के लागू होता है तो क्या शिक्षण संस्थान धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर शिक्षण संस्थान अपने उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्र कोचिंग संस्थान से कॉलेज और स्कूल की ओर रुख कर सके। धन्यवाद।